ये है कलम की ताकत। आप देख रहे हैं कृषि संदेश न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि संदेश न्यूज। राजस्थान प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियुक्त आशा सहयोगिनों व साथियों के मानदेय में बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बढ़ोतरी न किए जाने के विरोध में आशा सहयोगिनों व साथियों का आंदोलन दिनों दिन तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में जिले की आक्रोशित आशा सहयोगिनों व साथियों द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इनके द्वारा जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाकर उनका मानदेय बढ़ाने व उनके सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाने की मांग की गई। वहीं दूसरी ओर आशा सहयोगिनों व साथी ने इस दौरान मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ को भी ज्ञापन देने पहुंची, लेकिन इस अधिकारी के नाम मिलने की स्थिति में इस अधिकारी द्वारा इस ज्ञापन के संबंध में आंदोलनकारियों से फोन पर ही बात की जाकर अपना पल्ला झाड़ लिया गया। जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से देखिए कृषि संदेश न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए अपनी ये मांग का आपने देखा होगा बैनर आशा सहयोगिन व साथिन एकता यूनियन, एकता करने के लिए अपनी यूनियन है, कलेक्टर की यूनियन है, एसडीएम है, बंग यूनियन, पटवारियों की यूनियन, ग्राम सेवकों की यूनियन, और तो डॉक्टरों की यूनियन है, संता है नहीं, नरेगा यूनियन है, थारी यूनियन का देखता बंसी आज मनी है, आज मन गई, अभी न चलाना आंदोलन और कलेक्टर में बताऊंगा, मुख्यमंत्री में भी बताऊंगा। एक खतर मेरे बीच में काफी साथी आपकी बात रखेगा, मैं देख ला रहे गर्मी के अंदर महीना का भी के करा है, जब मिठाई रखे की करा है, तब अपनी बात शुरू हुई है, तो मैं अपनी बहना कोई बात रखना चाह रहा है तो है? हाँ मैं भी आज ऐसी कोई बहना है कोई बात रखनी चाह रहा है तो आ जाओ अतिरिक्त जिला कलेक्टर आए हैं बाहर आपका ज्ञापन लेने के लिए, बहुत बड़ी आपकी ताकत है ये। अरे ज्ञापन आज आज बहन जी आज हो गए हमारी मांग है, मैं कह रहा क्या सारी दोनों ही मिक्स है, ज्ञापन सारा तेज ला रहे हैं। ये हमारा एडीएम साहब, ये हमारा नाम पत्र है आशा सहयोगिन और साथिन की संयुक्त मंडन का, और हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री तक जाए और आपका पत्र लग के जाए कि ये मांगे पूरे जिले की आज काम बंद करके महिलाएं आशा सहयोगिन और साथिन आई है, तो इनकी मांग ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी एकजुट होकर आज यहाँ एकत्रित हुई हैं, हमारी एकता इसी तरह से बनी रहे, हमारी यूनियन का भी यही नाम है आशा सहयोगिन साथिन एकता यूनियन हनुमानगढ़, और मैं जिला सचिव आशा वर्मा, हमारी तो मुख्य मांग एक ही है, वैसे तो दो मांगे हैं हमारी, एक मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, जब तक हमारे राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता हमारा मानदेय न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये किए जाए, और दूसरा जो हमें एनआरएचएम की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से जो हमें प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जो 10 सालों से जो 100 रुपये हैं वो 100 रुपये ही हैं, उस राशि को दो गुना किया जाए, क्योंकि हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने अपने साफ साफ शब्दों में कहा था कि मैं दोबारा बोलता हूँ कि जो केंद्र सरकार से जो दी जारी राशि है उसे मैं दो गुना कर रहा हूँ, इस तरह से उंगली की थी उन्होंने, और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार से दी जा रही है
वो राशि दो गुना कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें दो गुना करने की बजाय एक गुना भी क्या शून्य कर ला के रख दिया हमारे को। दूसरी जो है हमारे साथ, इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सौतेला व्यवहार किया हमारे साथ। काम का जब काम का टाइम आता है तो आशा शौकीन साथी उनको दोनों को काम देते हैं। वैसे ज्यादा तो आशाओं को दिया जाता है, नाम काम के आगे तो नाम है आशाओं का, लेकिन जब मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो उसमें आता है कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता। अपने दिमाग को, अपने जोश को, अपने हौसले को आज अपने बीच में राजस्थान में जो आपकी आशा शौकीन और साथिन की मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जयपुर में अपनी आशा शौकीन का इनका कार्यालय है, साथी बीएस राणा वो भी अपने बीच में पहुंचे हैं, वो भी अपने विचार आपकी समस्याओं पर रखेंगे। मैं इसलिए ये बात बार बार कह रहा हूं कि अपने को भूलना नहीं है कोई चीजें, दिमाग को शांत रखना है। आपको याद होगा करीब 1.5-2 साल पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे आशा शौकीन से बात की थी, याद है क्या? अच्छा नहीं है क्या, मैं 3 गुना कर दूंगा थोड़ी तनख्वाह। आप तो यहीं पर बैठे हैं यहाँ पर, तो नेता की कह सके आप इस चक्कर में मैंने वोट और दे दिया, लो भाई फिर 3 गुना कर सो। अभी कार्यकर्ता ने हाँ बहन जी सही कहा 3 गुना वोट और दे दिया। अभी कार्यकर्ता को केंद्र सरकार भी उनके चूरू जिले से भी आए थे, उदयपुर से भी आए थे, झुंझुनू से भी आए थे, कुछ बहनें हमारे साथ गई हुई हैं, उन्हें याद भी है हमारा ज्ञापन। पवन दुग्गल जी ने, विधायक जी ने हमारे साथ दिलाया था, अभी भी ये बात कर रहे हैं। जयपुर जाने की बात करेंगे, यहाँ में आगे क्या आंदोलन करने हैं, यही बैठे रहना है या आगे हमें किस किस का पुतला जलाना है, मुख्यमंत्री का जलाए, ये हम तो इतने विभागों में बंटे हुए हैं, किस किस का पुतला जलाएं, इकट्ठे करके नहीं जलाएंगे, इसके आगे जलाएंगे, क्योंकि हम सभी से परेशान है, हम सभी से परेशान है। मेरे को भी वो सुबह कह रहे थे कि मैं आपकी कोई छुट्टी नहीं मानती, महिला परीक्षक ने कहा कि मैं आपकी कोई छुट्टी नहीं मानती, कोई कार्रवाई होगी तो ऐसा वरना खुद भुगते। मैं क्या, मैं तो चलो भुगत लूंगी और बहने भी भुगत लेंगी। वो मैं किस लिए बोलती हूँ कि ये हमारी बहने, ये जो भाई हमारे साथ सीटू के साथ हैं, तो मैं किसी बात का डर नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा समर्थन देने की बजाय हमें तो वो डरा रहे हैं। कल शाम को ही जयपुर से लेकर निकल और मेरी आशा और साथी यूनियन की बहनों, असल में मैं जो बात सुन रहा था आपकी भी सुन रहा था, नेताओं की भी सुन रहा था, हमारे साथ में बड़ी त्रासदी है राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में। जहां लोग इकट्ठे हुए ये थोड़ा सा दुखद स्थिति है। रघुवीर जी आपसे निवेदन है थोड़ा सा कि कोई दरी तो मंगा दो, हमारी बहनें जो है जमीन पे वैसे बैठ रही है, तो थोड़ा दो चार दरिया की व्यवस्था जरूर कराओ। ऐसा बहनों हमारा हमारे साथ में मैं जिक्र कर रहा था कि बड़ी त्रासदी है, जो भी सरकार आई है चाहे वसुंधरा जी की है चाहे गहलोत जी की है, वादे हमारे साथ में बहुत सारे हुए हैं,